हाय दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आप देख रहे हैं बैंक गुरु। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक में दोस्तों अकाउंट ओपन करना है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे दोस्तों? ये सेविंग अकाउंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा इस तरह का दोस्तों, आपको एक KYC फॉर्म भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे भर के आपको जल्दी से सिखा देते हैं इसे हम फिलअप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर में ये बिल्कुल खाली छोड़ देना दोस्तों, इसे कुछ नहीं भरना। यहाँ देखिए लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे लिखा हुआ टू द पोस्ट मास्टर। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी पोस्ट ऑफिस है, जहाँ का पोस्ट ऑफिस का भर है वहाँ का आप भर दे दीजिए दोस्तों। वहाँ का लिख दीजिए, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम हो वही नाम लिख दीजिएगा यहाँ। अगर जो भी आपका है वो करिए। यहाँ पे दोस्तों एक फ़ोटो चिपकाना, रिसेंट होना चाहिए दोस्तों। फ़ोटो यहाँ चिपका देंगे। यहाँ पे दोस्तों अपना नाम लिखना है, चलिए यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ हो गया दोस्तों दीपेश कुमार। बहुत आसान है दोस्तों फॉर्म को भरना। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए, आधार सीडिंग चाहिए कि नहीं, आधार उसमें जुड़ा रहना चाहिए कि नहीं। चलिए आधार हमको जुड़ा होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए दोस्तों, आधार से पैसा निकल जाता है, आप जानते हैं। यहाँ ATM कार्ड भी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग आपको चाहिए होगा तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, वो अपने अनुसार लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉलिसी चाहिए कौन कौन, PMC प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब चाहिए कि नहीं। अगर आपको कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं भरिएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों अकाउंट होल्डर टाइप है दोस्तों, तो यहाँ सेल्फ है या माइनर है, माइनर मतलब हो गया 18 साल से कम, 18 साल कम है तो यहाँ आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंगल है या दोस्तों ज्वाइंट है, ये मेरा सिंगल है, अब ज्वाइंट होगा तो ज्वाइंट में टिक मार दीजिएगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों है नेम ऑफ माइनर, अगर माइनर खोल रहा है तो उसका नाम लिखना, मैंने 18 साल से कम कोई खोल रहा है, बच्चा है तो यहाँ अपना नाम लिखिएगा दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ गार्जियन, ये 18 साल से कम है तब यहाँ एक साइन चाहिए गार्जियन का, मगर दोस्तों मेरा ऐसा केस में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कितने रुपए से आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, मिनिमम 500 रुपए से आप ओपन कर सकते हैं तो यहाँ 500 खोल सकते हैं। यहाँ मगर हम 1000 से खोल रहे हैं, आप 500 से भी कर सकते हैं। यहाँ लिख देना 1000, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे लिख देना है वर्ड में 1000 ओनली, वर्ड में हो गया दोस्तों। डिमांड ड्राफ्ट चेक ये सब बिल्कुल खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आइए दोस्तों, माइनर है नेम ऑफ एप्लीकेशन या गार्जियन, माइनर है तो गार्जियन लिख सकते हैं, नेम ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप सिंगल है दोस्तों सिर्फ एक में लिखिएगा, ज्वाइंट है तो दो या तीन जितना खोले वो देख लीजिएगा दोस्तों। नेम ऑफ एप्लीकेंट तो यहाँ अपना नाम लिख दीजिए दोस्तों, नाम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ नाम लिख दिए। फिर नेम ऑफ हस्बैंड फादर मदर, कोशिश कीजिएगा पिता का नाम, अगर लेडीज़ है तो अपना पति का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। नेम ऑफ जेंडर तो मेल है फीमेल है तो एम। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा दोस्तों, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर नीचे आइए दोस्तों, यहाँ आधार नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर जो भी है दोस्तों वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पैन कार्ड नंबर अपना लिख देना है दोस्तों। पहले से अगर आपका कोई अकाउंट है तो यहाँ CIF ID लिखना दोस्तों, तो ये तो है नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस दोस्तों यहाँ पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसी तरह दोस्तों परमानेंट एड्रेस है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों जो आधार में एड्रेस है वही लिखिएगा दोस्तों। यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखना है दोस्तों, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ email ID है तो email ID भी दे सकते हैं दोस्तों, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ID और एड्रेस में क्या प्रूफ दे रहे हैं, तो यहाँ आधार दे दीजिए दोस्तों, यहाँ ID प्रूफ है तो पैन कार्ड दे दीजिए, जब पैन कार्ड दे दीजिए दोस्तों तो दो हम क्यों देंगे, तो यहाँ पैन कार्ड कर देते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों एड्रेस प्रूफ तो आधार है, इसके अलावा भी आप बहुत चीज़ दे सकते हैं दोस्तों, अगर है दोस्तों तो दीजिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं आधार ही दे दीजिए, आधार कार्ड हम एक बार नहीं रहे तो ज़्यादा क्यों दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है दोस्तों, बस यहाँ पर जो भी साइन है आपको वो साइन करना है दोस्तों। यहाँ पर जैसा भी साइन है दो बार, यहाँ पर यानी दोस्तों तीन बार आपको साइन करना होगा दोस्तों, देख लीजिए तीन बार साइन करना होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर ज्वाइंट है तो वो तीन बार करेंगे, इसी तरह है। यहाँ पे नाम है दोस्तों, तो नाम यहाँ लिख सकते हैं क्या नाम का कौन सा साइन है, यहाँ पे मैच कर लिया जाएगा। फॉर्म के पीछे में भी दोस्तों आपको भरना है, तो ये सब दोस्तों आपको भरना नहीं, किस तरह का सेविंग अकाउंट है, माइनर है कि नहीं, ये सब दोस्तों आपको भरना नहीं है। ये सब के बारे में कितने तरह का सेविंग अकाउंट है दोस्तों, ये सब मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपको बता दूँगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो बता देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे अपना एक साइन कर देना बस। अब आते हैं नॉमिनी दोस्तों, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है दोस्तों, उसके बाद नेम ऑफ नॉमिनी, जिसका भी आप नॉमिनी देना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है, जिसका भी देना चाहते हैं
यहाँ नाम लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एड्रेस, उसका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माइनर को नॉमिनी नहीं बनाइएगा दोस्त। माइनर में दोस्तों आपको विटनेस भी लग जाएगा कि कौन सा विटनेस है। इतना करने के बाद आपको एक साइन कर देना, बस आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आप देखिए एक फॉर्म रहेगा, KYC फॉर्म दोस्तों, इसे भी फिलअप करना। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना दोस्तों, चलिए यहाँ नाम लिख देते हैं। उसके बाद है दोस्तों सिग्नेचर, तो दो सिग्नेचर करना है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ सिग्नेचर कर देगा। उसके बाद है दोस्तों फ़ोटो, तो रिसेंट एक फ़ोटो साथ देना होता है इसमें। चलिए दोस्तों ये तो फिलअप हो गया, चलिए नीचे की ओर भरते हैं, ये KYC फॉर्म है। चलिए नीचे में हम भरते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एड्रेस, ये आपको एड्रेस भरना है, दोनों साइड दोस्तों एड्रेस भरना है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आधार नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर दे देना है। उसके जस्ट बाद में है दोस्तों पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके नीचे में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एड्रेस ID प्रूफ में क्या क्या प्रूफ दिए दोस्तों, तो हम पहले भी भरे दोस्तों, हम ID प्रूफ में पैन कार्ड और एड्रेस में आधार कार्ड दे दें दोस्तों, और दोस्तों एक सिग्नेचर कर देना, बस इतना करते ही ये फॉर्म पूरा फिलअप हो गया दोस्तों। इसके साथ दोस्तों हम जो आधार कार्ड और पैन कार्ड का दोस्तों जेरोक्स दे देना, बस कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब